देश में 18th लोकसभा इलेक्शन 7 फेसेस में हो रहे हैं। पहले 4 राउंड्स की वोटिंग 19th अप्रैल, 26th अप्रैल, 7th मई और 13th मई को हुई। आखिर के लास्ट 2 राउंड्स मई 25 और 1 जून को होंगे, जिसके बाद 4 जून को 542 लोकसभा सीट्स के लिए वोट काउंटिंग की जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इन इलेक्शंस में देश का हर एक नागरिक काफी उत्साह से पार्ट ले रहा है और अपनी पसंद का कैंडिडेट चूज करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने एक्चुअली में इलेक्शंस में वोट किया है? जी हाँ, ये वोटर टर्नआउट डाटा को देखकर पता किया जा सकता है, जो बताता है कि कितने लोगों ने एक्चुअली में इलेक्शन में वोट किया है कंपेयर टू कि कितने वोट करने के लिए एलिजिबल थे। ये डाटा हमें दिखाता है कि क्या बहुत ज्यादा लोगों ने वोट किया है या फिर सिर्फ कुछ ही ने। आपने सुना होगा कि रिसेंटली काफी डिबेट्स वोटर टर्नआउट डाटा को लेकर चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राउंड्स होने के बाद भी डाटा रिवील नहीं कर पा रही, और अब जो उन्होंने डाटा रिवील कर दिया है तो वो एक्यूरेट नहीं है। इन्हीं सब कंसर्न्स को रेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक प्ली फाइल की है थ्रू एडवोकेट प्रशांत भूषण, और डायरेक्शन सॉर्ट किए हैं कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन वाइज वोटर टर्नआउट डाटा को अपनी वेबसाइट में हर लोकसभा फेज की पोलिंग कंक्लूड होने के 48 आवर्स के अंदर अपलोड करे। जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ने मंडे को इस प्ली को सुनने के लिए एग्री भी कर लिया था। प्ली में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया जाए कि वो एक टैबुलेटेड फॉर्म में रिकॉर्ड किए गए वोट्स को हर एक इलेक्शन फेज के बाद शो करे, और ये डाटा एब्सोल्यूट फिगर्स में होना चाहिए। द प्ली स्टेटेड, डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड टैबुलेटेड पोलिंग स्टेशन वाइज डाटा इन एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एज रिकॉर्डेड इन फॉर्म 17C पार्ट 1 आफ्टर ईच फेज ऑफ पोलिंग इन द ऑनगोइंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस, एंड ऑल्सो अ टैबुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज फिगर्स ऑफ वोटर टर्नआउट इन एब्सोल्यूट नंबर्स इन द ऑनगोइंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस। शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस जेबी परदीवाला एंड मनोज मिश्रा के बेंच के सामने जब सुबह ये मैटर पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मैटर को सभी केसेस के बाद शाम को सुनेंगे। 4:30 बजे शुक्रवार को बेंच ने मैटर को टेकअप किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल अमित शर्मा से सवाल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि डाटा को वेबसाइट में डालने पर क्या डिफिकल्टी है। व्हाट इज द डिफिकल्टी वाज इन पुटिंग अप द वोटर टर्नआउट डिटेल्स और फॉर्म 17 ऑन द वेबसाइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंसिल ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि ये टाइम लेता है, हमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, वी हैव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ डाटा एंड इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर उनसे पूछा कि सभी पोलिंग बूथ के पोलिंग ऑफिसर्स फॉर्म 17C रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करते हैं। इस पे शर्मा ने कहा कि ये इमीडिएटली नहीं किया जाता और कुछ टाइम लेता है और उनके पास सेम डे तक नहीं पहुंचता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे उनसे कहा, ऑल राइट, इट रीचेज द सेकेंड डे, नाउ व्हाई डोंट यू अपलोड इट, वी विल गिव यू रीजनेबल टाइम। काउंसिल ने कोर्ट को समझाया कि रिटर्निंग ऑफिसर को हर एक डाटा के थ्रू जाना पड़ता है ताकि उसमें कोई मिसमैच ना हो। आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्ग्यू किया दैट द रियल टाइम वोटर टर्नआउट फिगर्स गिवन बाय द वोटर टर्नआउट ऐप आर टेंटेटिव बिकॉज इट इज नॉट बीइंग अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, सो एनी मिसमैच विद द ऐप डाटा एंड फॉर्म 17C डाटा इज नॉट मटेरियल। पर पिटिशनर एनजीओ ने अपने कंसर्न फाइनल वोटिंग परसेंटेज को लेकर रेज किए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्लोज किया है। एनजीओ लॉयर सबमिटेड, citizens are aggrieved because they feel whether EVMs are being replaced. Suddenly there is a rise of 6%. NGO Association for Democratic Reforms ने published data में point out किया कि Election Commission of India ने 30 April को जो data show किया है उसमें phase 1 voter turnout 66.14% and phase 2 voter turnout 66.71% है when compared with the initial data of April 19 and 26 April respectively. Petitioner ने कहा कि ये data show करता है कि फेज 1 डाटा में नियरली 6% का इंक्रीज है और फेज 2 डाटा में अप्रोक्सीमेटली 5.75% का। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक हफ्ते के अंदर इस पिटीशन में एलिज किए गए वोटिंग परसेंटेज डाटा मिसमैच को लेकर रिस्पांस मांगा है इन द डाटा ऑफ द फर्स्ट 2 फेजेस ऑफ द लोकसभा पोल। कोर्ट अब इस मैटर को नेक्स्ट 24 मई को सुनेंगे बिफोर द 6th फेज ऑफ वोटिंग। ये मैटर वेकेशन बेंच के द्वारा सुनी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब समर वेकेशन से क्लोज हो चुके हैं। आपको बता दूं कि एनजीओ का कहना है कि ये प्ली ये इंश्योर करने के लिए फाइल की गई है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्टोरल इरेगुलरिटी से सबवर्ट ना हो। ली ने आर्ग्यू किया है कि पहले 2 फेसेस का वोटर टर्नआउट डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 दिन के बाद अप्रैल 30 को पब्लिश किया था, जबकि फर्स्ट फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी। सेम वे में 26 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद 4 दिन के बाद इसका वोटर टर्नआउट डाटा पब्लिश किया गया। प्ली ने कहा है दैट द डाटा एज पब्लिश्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स प्रेस रिलीज डेटेड अप्रैल 30, 2024 शोज अ शार्प इंक्रीज एज कम्पेयर टू द इनिशियल परसेंटेजेस
अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 7 PM ऑन द डे ऑफ पोलिंग। ये स्टेट करके पिटिशनर ने फाइनल वोटर टर्नआउट डाटा के रिलीज में इनऑर्डिनेट डिले को दिखाया है और उसी के साथ एनजीओ ने बताया कि कैसे 5% तक के बिग चेंज इन द इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट ऑन अप्रैल 30, 2024 ने लोगों को परेशान कर दिया है और ये डाउट्स भी रेज किए गए हैं कि डाटा इनएक्यूरेट है। प्लीज सेड दीज एप्रीहेंशंस मस्ट बी एड्रेस्ड एंड पुट टू रेस्ट दैट इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द वोटर्स कॉन्फिडेंस इट इज नेसेसरी दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी डायरेक्टेड टू डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट स्कैन एलिजिबल कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C पार्ट 1 ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस व्हिच कंटेन द ऑथेंटिकेटेड फिगर्स फॉर वोट्स पोल्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ द क्लोज ऑफ पोलिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट टू फेसेस का वोटर टर्नआउट डाटा रिवील करने के बाद कांग्रेस ने भी इस डाटा में कई डिस्क्रिपेंसीज निकाली हैं। 7 मई को कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने लीडर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक को लेटर लिखते हुए पोल बॉडी द्वारा रिलीज किए गए डाटा में डिस्क्रिपेंसीज एलिज की थी। इस लेटर को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए खड़गे सेड Apart from the delay, the voter turnout data released by the commission does not mention crucial yet related figures such as the votes polled in each parliamentary constituency and in the respective assembly constituencies. उन्होंने allege किया कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी अब तक ऑल टाइम लो रही है। इसी लेटर का जवाब देते हुए और कांग्रेस चीफ के एलिगेशंस को स्ट्रॉन्गली रिफ्यूट करते हुए पिछले फ्राइडे को इलेक्शन कमीशन ने एक 21 पेज का रिस्पांस दिया है। कांग्रेस चीफ के हर एक एलिगेशन को एड्रेस करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके द्वारा पूछे गए 6 सवालों के जवाब दिए हैं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सेलिंग फीचर्स को भी बताया है। इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई किया है अपने लेटर रिस्पांस के 6 पैरा में और कहा है कि वोटर टर्नआउट डाटा लेट रिलीज किया गया ये कहना गलत है क्योंकि डाटा हमेशा से वोटर टर्नआउट ऐप में अवेलेबल था। कमीशन ने किसी भी मैनर में वोटर टर्नआउट डाटा डिस्प्ले डिजाइन को चेंज नहीं किया है। उन्होंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन से डाटा कलेक्ट करने में कोई अनयूजुअल डिले नहीं हुआ है। कमीशन ने 9th पैरा में कांग्रेस की ग्लेरिंग मिसमैनेजमेंट वाली एलिगेशन को भी रिफ्यूट करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को बताया और कहा कि आपके द्वारा लगाई गई एलिगेशन एक अटेम्प्ट है टू क्रिएट कंफ्यूजन मिसडायरेक्शन एंड इम्पीडमेंट इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर पोल्स। कमीशन ने लेटर में एक डिजाइन पैटर्न नोट किया है कि इलेक्शन पीरियड में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस चीफ को वार्न भी किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो राइट टू फ्री स्पीच की रिस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये एक प्रिविलेज पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है, लेकिन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो डेवलपमेंट्स पर एक्ट करे जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इलेक्शन कंडक्ट के कोर मैंडेट पर पड़ता है जब तक रिजल्ट्स डिलीवर ना हो जाए। अपने लेटर के 18th एंड 19th पैरा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द कमीशन स्क्रूपुलसली अवॉइड्स कमेंटिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक्स द हार्ड हिटिंग ऑफ सेवरल पब्लिक क्वेश्चंस एंड एक्यूजेशंस ऑन इट्स ओन शोल्डर्स एज इट बिलीव्स इन अ रिस्पेक्टफुल कोलैबोरेटिव इक्वेशन विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सो क्रिटिकल फॉर हेल्दी इंडियन डेमोक्रेसी। हाउएवर द कमीशन हैज फाउंड योर कम्युनिकेशन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन इन द मिडल ऑफ द ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस एज हाईली अनडिजायरेबल and one that appears designed to create confusion, misdirection, impediment to the conduct of smooth, free and fair elections, which is the mandate of Election Commission of India under the Constitution. Therefore, to uphold the integrity of the election process in the face of the aggression on the vitals of life conduct of the election coming from your statements, the Commission categorically rejects your insinuations, allegations and advises you to exercise caution and refrain from making such statements. तो आप देख रहे हैं कि कैसे इलेक्शन रिजल्ट से पहले वोटिंग काउंट्स को लेकर एक अलग ही कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। इसमें आपका क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।